ओम नाम सबसे बड़ो या से बड़ो न कोई। ओम नाम सबसे बड़ो जा से बड़ो न कोई। जोया को सुमिरन करे तो शुद्ध आत्मा होए। एज राजा को जाचन चले और बने ब्राह्मण लघुवीर। दुशासन के बलु घटे कोई अखे कर दियो चीरे। दुशासन के बलु घटे कोई अखे कर दियो चीरे। आंखें कर दियो चीर और द्रौपदी सभा बीच किलकारी। और भस्मासुर को हाल भस्म कियो बन गए नर से नारी। भस्मासुर को हाल भस्म कियो बन गए नर से नारी। गौतम ऋषि की नार अहिल्या और चरण कमल रज तारी। और बिंद्रा से छल कियो रे आप जालंधर बने मुरारी। बिंद्रा से छल कियो रे आप जालंधर बने मुरारी। कन्हैया मुरली बाले हाँ। कन्हैया मुरली बाले हाँ। सदा संतन के प्यारे हाँ। तुम्हें आधार पुकारे हाँ। शरण हम पड़े तुम्हारे हाँ। जाके लगी सोई जान बिठा पर पीर की कोई उपहास करे ना। आधार जब चुभ जाते अंग तो केते ओ पाव से चार करे ना। एने कसिका कर जाके लगे सो पीर के मारे धीर धरे ना। ओ शरला कल कैसे पड़े जब आंख से आंख लगी निकरे ना। कन्हैया मुरली वाले हाँ। सदा संतन के प्यारे हाँ। कल काल तेरी दशा क्या भाई। आधार तेरी दशा का भाई। लेखनी लिखत में अति शर्माई। वो जखम अचानक दाओ प्रभु ने जो गाव भरे नन्ना सूर दिखाई। और पाल पनासिक बड़ो की ओर मेहनत से हाय करी पढ़ाई। और बीच में नाथ ने छीन लयो अब हमें का मिले वो बहुरन भाई। कन्हैया मुरली वाले हाँ। सदा संतन के प्यारे हाँ। गुजारे करो जी हमारे खबरी तोहर का बारे। श्रीपति नंद दुलारे तुम ही मम कष्ट हरोगे और महावीर बजरंग बली आधार की लाज रखोगे।
महावीर बजरंग बली दंगल में लाज रखोगे लाज रखोगे लाज रखोगे लाज रखोगे लाज रखोगे महावीर बजरंग बली दंगल में लाज रखोगे। मेरे नौजवान साथी, आदर के योग बुजुर्ग, प्यार करने योग बच्चे और सीता अनुसुईया और सावित्री जैसी भूमि में पलने वाली हमारी मातृशक्ति आज त्रिमूर्त कैसेट के माध्यम से बड़ी ही पावन पवित्र गाथा मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। मैं स्वामी आधार चेतन, जिनकी और भी पावन कथाएं आप लोगों ने श्रवण की हैं, उस महान भक्त की कथा को मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, जिससे आपको यह पता लगेगा कि हमारा ये देश ऋषियों की भूमि है, ऋषियों की संतान है हम सभी। परम भक्त नरसी का पावन आख्यान कि देखिए भक्त नरसी किस तरह से भगवान कृष्ण के दीवाने उपासक बनते हैं और वो मुरली मनोहर श्याम सुंदर इस कलयुग में भी आकर के अपने भक्त के सतीत्व की रक्षा कैसे करते हैं। खैर, मैं ये भी जानता हूं आप लोगों ने भक्त नरसी का नाम तो अवश्य सुना होगा, लेकिन मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि ये नरसी भक्त पूर्व जन्म में कौन थे। दोस्तों, ये नरसी भक्त पूर्व जन्म में एक बनी के राजा शेर थे, और ये भी दिमाग में रखना, ये बनी का राजा शेर एक गुफा में निवास करता था, तो कोई मुसाफिर, कोई व्यक्ति, कोई श्रद्धालु दाऊ जी के दर्शन करने के लिए जा रहा था। जब उसी जंगल से गुजरा है ये शेर, गुफा में से निकल के दहाड़ा, उसी समय वो मुसाफिर खड़ा हो गया और वो उस आदमी ने शेर को देखा तो ये निश्चय समझ गया कि अब मेरा अंतिम समय है, क्योंकि बनी का राजा शेर मेरा भक्षण कर जाएगा। कांपने लगा, लेकिन शेर बिल्कुल मानव की भाषा में बोला, तू कौन है और इस मंजिल से कैसे गुजर गया, क्या तेरी मौत खींच के लाई है। मुसाफिर डर गया और कहने लगा, मैं दाऊ जी के दर्शन करने जा रहा हूं। क्या कहा, तू दाऊ जी के दर्शन करने जा रहा है? हाँ, ठीक है, डरानी, हम तेरा भक्षण नहीं करेंगे, लेकिन जब तक मैं गुफा से बाहर ना आ जाऊं तब तक तुम मेरा इंतजार करो। दोस्तों, वो डर के मारे व्यक्ति वहीं खड़ा हो गया। शेर अंदर गया और अंदर से कुछ सुवर्ण के आभूषण लाया, क्योंकि शेर का भोजन होता है मांस, और जो स्त्रियों का उसने भक्षण किया था वो जेवरात अंदर था, और वो शेर ने मुंह से लेकर के वो दिया और कहा कि जाओ दाऊ जी को ये मेरी भेंट अर्पित कर देना, और कहना कि बनराज सिंह ने तुम्हारे लिए सौगात भेजी है, और सुनो लौट के इधर से ही आना। कहने लगा, ठीक है। आज वो व्यक्ति सुवर्ण के आभूषण लेकर के दाऊ जी की यात्रा के लिए रवाना हो गया और जाकर के दाऊ जी को अर्पित किया वो सुवर्ण का सारा सामान। तो भक्तों, दाऊ जी ने दो झांझे दिए उसको और कहा कि जाओ बनी के राजा शेर को ये झांझे दे देना। आज वो झांझे लेकर के तो चला, लेकिन सोचने लगा कि उधर से तो आए तो शेर ने मुझे इसलिए नहीं खाया कि उसका स्वार्थ था, और अब जाएंगे तो निश्चय मेरा भक्षण कर जाएगा। तो भक्त वो नौजवान उस रास्ता को छोड़ करके दूसरी रास्ता से गुजरा, लेकिन शेर में दैविक शक्ति थी, वो समझ गया कि इसके मन में बेईमानी आ गई है। शेर एकदम से झपट को उसी मार्ग पर पहुंचा, कहने लगा, ए खड़ा हो जा, हमने जो तुझे आभूषण दिए थे सुवर्ण के वो कहां है, और दाऊ जी को अगर तूने अर्पित किए हैं तो दाऊ जी ने मेरे लिए कुछ भेजा है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तेरे दिल में बेईमानी आ गई। वो कांपने लगा, वो कहने लगा, न न नहीं, मैं डर के मारे इधर से गुजरा, कहीं मेरा बाप भक्षण न कर ले। शेर कहने लगा, मैं जो वचन कह देता हूं उससे बदलता नहीं हूं, मैं तेरा भक्षण नहीं करूंगा, लेकिन दाऊ जी ने क्या दिया तुझे, वो झांझे सामने कर दी लीजिए, ये झांझे दी है। दोस्तों, वो झांझे आज शेर ने आगे वाले पैरों में कहां फंसा दे, उस मुसाफिर ने फंसा दियो। भक्तों, भगवान कृष्ण का ध्यान करके वो शेर नाचने लगा, नाचते 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 दशा तुम्हें हम उनकी बतलाते हैं जो मनमोहन के प्रेमी कहलाते हैं। भक्तों, नाचते नाचते शेर का प्राणांत हो गया, और वही मर करके
जूनागढ़ में जो मूंगामल नाम के शाह हैं उनके यहां पैदा हुए हैं, तब इनका नाम पड़ा नरसी। वैसे नाम तो नरसिंह, क्योंकि सिंह से नर बने हैं, लेकिन लोग इसको नरसी कहने लगे हैं। भक्तों, ये नरसी पांच भाई, लेकिन वो ध्यान रखना कि संत बीज पलटे नहीं चयुग जाए अनंत, और नीच ऊंच कर ऊपर हो संत का। ध्यान रखना, संत का बीज कभी पलटता नहीं है। याद, ये नरसी बिल्कुल मस्त हो गए भगवान के ध्यान में, छोटे पन से संतों में बैठने लगे, सत्संग करने लगे। और जहां स्वाधीन ब्रह्म सच्चिदानंद की चर्चा होती है, वहां भक्त नरसी बैठ जाता है। बाल अवस्था में उसे भूख तक नहीं लगती। धीरे धीरे मूंगामल सेठ खत्म हो गए। नरसी के बड़े भाई का नाम है विक्रम। इधर नरसी की शादी हो गई, लेकिन नरसी का एक ही काम है, मंदिरों में जाकर झांझे शंख बजाकर भगवान गोविंद के गुण गा रहे हैं। हालांकि बनियों का काम है, बनिया बन जा बिगड़ न जा। भाई, बनिया का मतलब बन जा बिगड़ न जा। तो और तो भाई सब उद्योग कर रहे हैं, लेकिन नरसी सुबह निकल जाते हैं और शाम को रात में घर आते हैं, मंदिरों से संतों के झुंड से। एकदम हुआ क्या, एक दिन विक्रम ने कहा, अरे विक्रम बोला नरसी से, तू बैठा बैठा खाता है और शिव मंदिर में जाता है, मां झालर शंख बजाता है। विक्रम कहने लगा, अरे शिव मंदिर में जाता है, मां झालर शंख बजाता है, हम वैश्य वंश में पैदा है, तू हमको बहुत लजाता है। विक्रम कहने लगा, है नरसी ऐसे काम नहीं चलेगा, तू मंदिरों में जाकर के साधुओं के बीच में नाचता है, इन साधुओं की सोबत हमें बहुत बुरी लगती। भक्त नरसी बोले, भैया संतों से तुम्हें नफरत है? जवाब दिया, हां। क्यों? विक्रम बोला, सत्यानासी दो जने, एक बाबा एक ऊंट, ऊंट न छोड़े पीपरा और बाबा न छोड़े ठूंट। पीपल का भक्षण ऊंट कर जाता है और बाबा ठूंट को नहीं छोड़ता। मैं ये नहीं कहता हूं कि तू भगवान का ध्यान न कर, अरे दिन भर काम कर, सुबह शाम भगवान का ध्यान धर। नरसी कहने लगे, भैया एक बात कहूं क्या? पूर्व जन्म के भागों से नर देही प्राणी पाता है, और वायदा करके राम भजन का जीव जगत में आता है। भैया, ये मानव का शरीर बड़े भाग से मिलता है। अरे वादा करके राम भजन का जीव जगत में आता है, और वादा करके राम भजन का जीव जगत में आता है। ये मानव का शरीर गोस्वामी जी भी लिख रहे हैं क्या? कठिन भाग मानस तन पावा, कठिन भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गाबा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गाबा, सुर दुर्लभ। अरे भैया, नरसी कहने लगे, रे मानव का शरीर बड़े भाग से मिलता है, ये विषयों में न गमाओ। और क्या बोले? तूने हीरा, तूने हीरा हेराई दियो चपरे में, तूने हीरा लुटाई दियो चपरे में, तूने हीरा गमाई दियो। चपरे में भैया चोरे में, चपरे में भैया चोर
में तूने हीरा तूने हीरा तूने हीरा लुटाई दियो चपरे में तूने हीरा गमाई दियो बालापन हंसी खेल के गमाओ चेहरा नरसी और जवानी में दुल्हन से नेह तूने लगाओ अरे भूख लगी तो अफरे में तूने हीरा लुटाई दियो चपरे में तूने हीरा गमाई दियो चपरे में तूने हीरा लुटाई दियो हाकिम सिंह धोरा वाले हाकिम सिंह जी धोरा वाले अरे श्वासन की कदर निक कर मत वाले नहीं मुसीबत आ जाएगी डगरे में तूने हीरा लुटाई दियो चपरे में तूने हीरा गमाई दियो आधार भजन निक कर ले आए तू भी ध्यान ब प्रभु को धर ले कैसी कह रहो है भागवत नखरे में तूने हीरा लुटाई दियो चपरे में तूने हीरा बड़े दोस्तों भक्त नरसी कहने लगे भैया ये मानव का शरीर बड़े भाग से मिलता है इसे विषयों में ऐसे न गमाओ। विक्रम कहने लगा तू हमें उपदेश कर रहा है तेरी एक लड़की है तेरी लड़की को कौन खिलाएगा तेरी पत्नी को कौन खिलाएगा और तुझे कौन खिलाएगा। तो नरसी बोले भैया अजगर करे न चाकरी ओ पक्षी करे न काम अरे दास मलू का यो कहे सो सबके दाता। अरे भैया जन दीनी ये चोंच दिए सोई चारो। एकदम से कहने लगा विक्रम तो हमसे हो जाने आरो। और भक्तो एकदम भक्त नरसी बोले ठीक है भैया जैसी आपकी इच्छा तो धन माल बांट सब दियो के नरसी कर दीनो न्यारो। दोस्तों आज नरसी के भाइयों ने नरसी को अलग कर दिया लेकिन आखिर मूंगामल सेठ बहुत ही बड़े सेठ थे भक्तों। बांट में अरबों की दौलत मिली लाखों की नहीं करोड़ों की नहीं अरबों की। इधर भक्त नरसी की लड़की रामा ब्याह की योग्य हो गई। सिरसागढ़ का जो मनसा शाह है उसके लड़के का नाम है गणपत। सुशीला भक्त नरसी से कहने लगी पिया दौलत तो बहुत हो बिटिया भी सियानी है इसकी शादी कर दो। दोस्तों दिमाग में रखना उसी समय आज भक्त नरसी ने बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी रामा की शादी की और संगई विदा कर दी। और भक्तों यहां तक खबर नहीं ली रामा की कि रामा के एक लड़की हो गई और लड़की की शादी की तैयारी मनसा सेठ करने लगा। और ये लड़की की जो विदा करी अब तो निश्चिंत हुई है भैया झालर संकोट ढपुलिया बजन लगी भाई खंजरी पे और झोपड़िया पे ये हुए कि महात्मा मुफत को माल उड़ान लगे। अब तो बिल्कुल कंगाल हो गए। इधर मनसा सेठ ने हुक्म कर दिया कि मेरी नातिन की शादी है कामदार बुलवाए सबई के हितकर बैठा रहे हैं लेकिन हुक्म कर दिया सबई से नरसी को नहीं बुलाना है और नंगा है भिकमंगा है जो भीख मांग के खाता है और कौड़ी दमड़ी पास नहीं जो गोविंद के गुण। दोस्तों इधर रामा को पता लगा शाम को के सब रिश्तेदारों के लिए पत्र वितरित हुए हैं लेकिन हमारे बाबुल के लिए कोई खत नहीं गया। दोस्तों जब शाम को रामा की सास लेट गई तो रामा धीरे धीरे अपनी सासुलिया के पैर दबाने लगी और पैर दबाते ही दबाते रामा रोने लगी। जब रोने लगी है गरम गरम आंसू सास के पान पर गिरे तो वो बुढ़िया उठ के बैठ गई बोली बहू तू रो रही है। रामा कहने लगी हाँ मैया मैं रो रही हूं क्यों। तो दोस्तों रो करके रामा बोली है अरे जा दिन से मेरो ब्याह भयो
जसर सागर में आई हूँ, ना जाने कौन तकसीर बनी मेरे बाबुल नाए बुलाई हूँ। कहने लगी है, मैंने मैके में कोई ऐसा कदम नहीं दिया। अरे जा दिन ते मेरो ब्याहु भाओ, जसर सागर में आई हूँ, ना जाने कौन तकसीर बनी मेरे बाबुल नाए बुलाई हूँ। और रामा कहने लगी, मैया मैं के की करुणा लग रही है, मैं तो भात ने उठबे को जाऊंगी, और इसी बहाने ते मैया मैं पियर को लख आऊंगी। और इसी बहाने ते सासुल में मैया ते मिल आऊंगी, और इसी बहाने ते सासुल में मम्मी ते मिल आऊंगी। और रामा कहने लगी, मैया कोई कामदार बुलवाए मैया, और खबर ससुर पे भिजवा दो, रामा जूनागढ़ जाएगी कोई जल्दी से रथ सजवा दो। और हिलकी भरी है तीर बिटिया की, मरद और सुन लो अरज हमारी खाई, और हो सब गरिया अज दुखिया के नैनन बात नीर की धारे। मेरे एकदम से कहने लगी, मैया नौकर को बुला के पिताजी को खबर भेज दो, मेरे लिए रथ तैयार करें। दोस्तों इतने वचन सुने हैं, रामा की सास की आंखों में खून उतर है। बहू होश में तो है तू? अरे सुन रामा के बेन सुरत भय नैन क्रोध कियो भारी, और बहू अर तेरी बूढ़ रे ही अन पे गई है मारी। अरे बुद्ध गई मारी, बुद्ध गई मारी बहू, अरे मारी अकल गई मारी, और बहू अर तेरी अकल ही अनु गई मारी। कोई नहीं मालूम है तोर बबुला सर गरीब के फूटो नसीब के भाव भेकारी, तेरी मैया नंगी बैठी है बा आंगन में हरिचारी। बेड़े एकदम से दांती पीस के कहने लगी, बहू तुझे कुछ होश है? अरे तुझे नहीं मालूम कि तेरा बाप कितना गरीब हो चुका है, और तू भात भात की बातें कर रही है? अरे बाबा जी तू मां बारो, अरे बाबा जी तू मां बारो, और खाती है वो भात बेचारो। अरे बहु अर मत बादरु फारो फारो गजब बो फारो, बाके भोजन को नाए गुजारो। कहने लगी, सात बहु तेरी अकल पे पत्थरा पड़ी आए हैं भोली बहुअर री, तेरी बुद्ध पे पत्थर पड़ी आए हैं भोली बहुअर री तेरी। अरे आई आई गरीबी बबुल तेरे पे ओ बिटिया, बबुल तेरे पे, बबुल तेरे पे।
अरे भूख जदेश कुड़ी आई है भोली बहुअरवी तेरी अकल पे पत्थर पड़ गए हैं भोली बहुअरवी तेरे पागल हो गई है तू। वो तूमा बालो महात्मा तुझे क्या भा देगा और फिर तेरे घर में किस बात की कमी है, है? एकदम से आंखों में आंसू भर के ब्रह्मा बोली, मैया आरे चाहे लाख भरे ओए मम्मी मोती। कहने लगी भारे ओए मैया मोती और बिने भात न सोवा मैया होती। और रामांगन में रोती अरे रोती 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 और जतो आसुआन तेरे मुखे धोती। रामा कहने लगी मैया घर में कितनी भी दौलत हो लेकिन बिना भात के शादी के समय पे शोभा नहीं होती है। मां आंखों में खून के कतरे लेके सास कहने लगी चुप हो जा रही ठरगजी, मैं जानती हूं कि तू यह जिद क्यों कर रही है। बोली मैया मेरे बाबुल ही तो गरीब हैं। अरे कुनमा गोता बहते रो अरे कुनमा गोता बहते रो और कोई भात भरे मैया मेरो अरे का बिगड़े सासुन तेरो तेरो गजब भो तेरो अरे देखिया बे धूना गढ़ खेरो मैया तो मुझे आज्ञा दे दो। नहीं ये कदाप नहीं होगा, चुप बैठ घर में। और तब तक मनसा सेठ आ गई। क्या हो रहा है, सास और बहू में बड़ी झड़पें हो रही हैं। रामा की सास बोली अंदर आ जाओ पिया, जब बहू की दिमाग बिल्कुल बुद्ध खराब हो चुकी है, जाके दिमाग में गोबर भर दिया किसी ने, जे जिद कर रही है कि मैं भात नहीं उतने के लिए जाऊंगी। मनसा सेठ कहने लगा बहू मेरी बात सुनो, तेरा बाप नंगा है भिक मंगा है और घर में नहीं है खाने को, हमने तो पानी दे रखा है इसीलिए समझाने को। हमने तो पानी दे रखा है इसीलिए समझाने को। जवाब दिया बहू तुम नहीं जानती हो कि यहां मेरे बड़े बड़े रिश्तेदार आएंगे और तुम्हारा बाप यहां जाकर के खंजरी झांझे और मजीरा बजाएगा तो हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। रामा घूंघट मार के बोली बाबुल अरे सुन ससुरा के बेनरे के रामा अरे बिलखाई बाबुला पे पैसा नहीं अरे गरीबी बाबुल आई मेरे बाबुल पास धन पिता के जो हो तो और तो क्या आप बाबुल को है नहीं भेज देते ने हो तो भैया इतनी के मूरो हाय धरती पे मारो है यारो इतने कह के बेन मूड धरती ते जने मारो है।
ते मारो है रे मूल धरती तरन मारो है भैया इतने कह के बेन मूड धरती ते। एकदम से रामा ने सर पटक दिया। मनसा सेठ कहने लगा, बहू बिल्कुल मत घबरा, मैं तुझे तो नहीं भेजूंगा, ले तेरे बाप के लिए एक चिट्ठी जरूर लिख दूंगा और वो भात लेके आ जाएगा। रामा कहने लगी, आप चिट्ठी लिख दीजिए बाबुल, ठीक है। इतना कहकर के मनसा सेठ आया दरबार में। अब उस मनसा सेठ ने सब लीने सेठ बुलाए, ओ नरसी जी के भात की जनपाती लिखी। कहने लगा, ये लिखिया लंबा सा पत्र लेकर के बैठ जा, समधी के लिए खत लिखना है, और ऐसा खत लिखूंगा कि वो जूनागढ़ को छोड़ करके ही प्रभु चक्कर हो जाए। अरे बैठे गुजराती साहब नारद, अरे लिखाए रहे नरसी को पाती रे, लिखाए रहे बाबा को पाती रे, लिखाए रहे नरसी को पाती, बैठे गुजराती साह लिखाए रहे नरसी को पाती, लिखाए रहे बाबा को पाती, बैठे गुजराती साह लिखाए रहे नरसी को। कहने लगे, लिखो। लिखत अमित सामान रेशमी थान जड़ी के न्यारे, जे रंग बिरंगे सब तपीत और उकारे। ए अतलस मखमल तीन कटुंटनी तीन रे मोल के उभारे, मोल के उभारे, मोल के उभारे। लिख रहो अनेक थान जड़े मा सारे, अरे अंडी मखमल कस मीरा रे, अंडी मखमल कस मीरा रे, जम जड़े लगे हुए हीरा। लइयो सुरग बनाती चीरा रे, लइयो सुरग बनाती चीरा रे, दिल रामा के बंध जाए धीरा। लिखने लगा, अटलस मखमल जीन टुंटनी तीन मोल के भारे, अरे लिख दिए अनेक अंथान जड़े मासारे, अंडी मखमल कश्मीरा, जब जड़े लगे हो हीरा, लइयो सुर्ग बनाती चीरा, तुम्हारी बिटिया के दिल को हो जाए। देखिए लोगो आहरी गरीबी, और क्या लिख रहा है, सौ सौ मन मेवा लिख दीनी और सौ मन हल्दी सुपारी है, गुड़ बूरो खाण बतासे हैं और चामल शक्कर न्यारी है। सोमन हल्दी सोमन सुपारी, गुड़ बूरो खाण बतासे चावल और शक्कर, सवाल अलग अलग सौ सोमन से कम ना हो। सौ सौ मन मिर्चे लिख दई है और सौ मन लिख दई धनिया है, सौ सौ मन लोंगन के बोरा आखर को जाति को बनिया है, देख लीजिए। अंगूर संतरा नाशपाती, अंगूर संतरा नाशपाती और मेवन की तो न्यारी है, और सेव संतरा की गठरी सौ मन अब हो बे भारी है। अरे मनसा सेठ और कह रहा है,
बांसुरी हमेर मोहन माला और कंधोनी पचमनिया है, कुंडल ककना और नांग फनी मत जाइयो भूल न थुनिया है। नक बेसर संग में ले आइयो, नख बेसर संग में ले आइयो, बिटिया को भात अब पहनइयो, सोने के कुंडल और बिछुआ भी सुंदर सुंदर बनवइयो। सोने की अंगूठी उंगलों में अब दसऊ हाथ से बनवइयो, अगर इतनो ना सामान हो तो मोन हमें तुम दिख लियो। बाज भाई भाई और देखो, ए लिख दई चीजा मोल बाकरम ढोल जड़े मा लियो 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 जड़े मा लियो, रामा को बिठिया साठ भार बनवइयो, रामा को बिछुआ साठ भार के बनवइयो। और क्या लिख रहा नारद, अरे समदी साऊ हो जो पूरे, अरे हाथी दांत के लियो चूरे, और रकम सब न्यारी न्यारी, अरे न्यारी अरे न्यारी न्यारी न्यारी, अरे गिन गिन लियो सबीरे सामारी। और लिखने लगा क्या, हे समधी नरसी सेठ, अरे सजी भजी की छटा से आइयो, ए अरे सज बज के अदा से आइयो, और बिटिया को भात पहनइयो। लोगों अरे लिखिया की कलम अज चल रही है धीरे धीरे, लिखिया की कलम अज चल रही है धीरे धीरे, और सुजान की छाती सुलग रही है धीरे धीरे, हो तम सिंह अब सेठ तब बोले, हो तम सिंह अब हो रघु बोले, अरे मनसा की अकल बिगड़ी रही है धीरे धीरे, और लिखिया की कलम अरे चल रही है धीरे धीरे। ध्यान रखना लोगों, अरे बड़े बड़े सेठ के सभा में बैठे सन पे मसन्ने रहे लगाई, आज खिलकी भर गई ये रामा की बबुला की याद रही रे जय आई। यार मेरे धीरे धीरे, मित्र मेरे धीरे धीरे, रामा की आई आई बूढ़ी सास सभा में धीरे धीरे। हाँ बेड़े दो
दोस्तों सभा में सेठ मुस्करा रहे हैं। भात तो हमने बहुत पहनते हुए लाते हुए देखे, लेकिन इनके समधी जाने कितने बड़े सेठ हैं, जो सौ सौ मन से कोई चीज कम नहीं। और तोलो रामा की सास आई गई। मनसा सेठ बोले खांस के, तुम क्यों आए हो? सास बोली, चिट्ठी लिख गई? मनसा बोला, हां लिख गई। क्या आपको खांसी हो गई है? हमें खांसी नहीं है, लेकिन तेरी बहू को फांसी है। और हमारी यहां करवाने को हांसी है, और चिट्ठी क्या लिख रही है? कलेजे में लग रही घांसी है। क्या तुम भी कुछ लिखाना चाहती हो? बुढ़िया कहने लगी, पत्र में जगह खाली है। हां हां, लोगों डुकरिया ने डुकरे फेल कर दो, खुद लिखान लगी। क्या लिखा रही है? रामा की सासुर साई है, दुई पथरा दिए लिखाई है राम। मेरे सेल बटन और नाई है, मैं तो समधि पे लिए मंगाई है मेरे। जवाब दिया, कल बच्चा ने सिलबटना फोड़ डाला, जामे लिख दो समधी सोने का सिलबटना लाए। लोगों सभा के लोग ठाका मार के हंसने लगे, आज सिलबटना लिखा दिया उस औरत ने। बाहरी परकटी ये सासुलियां जी बड़ी खतरनाक होती हैं, इनके तो लांगते ही में आग लगाई दी जाए। लोगों उसी समय बुला लिया नाई को, और क्या बोला है मनसा सेठ, ले नाई पाती ले जा समझाने को, लेकिन घर से ले जाइए खाने को। नाई कान लगो, सौ सौ मन ते कोई चीज कम नहीं लिखी है, और कहूं रोटियों नहीं मिले, जो मजा करत है। लोगो चल दो, पाती लेकर के आ गया सिरसागढ़ का नाई जूनागढ़ में। और कान नरसी सेठ बिराजे कंचन, हम को दियो बताए। अरे भैया, नाई सबते पूछत डोले, और बानी मीठी मधुरी बोले। भैया, जहां के वो नरसी सेठ हैं, गांव के लोग कान लगे, नरसी सेठ? अरे नरसी सेठ की बात करते ही तो नरसी मेठो नहीं है, हैं? एक कान लगो, नरसी मेठ नहीं है, लेकिन लड़सी तो खेत में ठाड़ी है। नाई सबते कहे, सेठ का राय हमें बतलाइयो, जो कहे सोए हुई कह रहो रे के अंगारू बढ़ के जइयो। आगे जा भैया आगे। देखिए लोगों, गरीबी इसे कहते हैं। गांव के लोग बस नाई को नरसी का घर नहीं बता रहे। अगर दो पैसा पात होते तो जे नालायक हुए छोड़न हो जाते। बाहर पैसा, अरे अंगारू जइयो, अंगारू जइयो, भज के जइयो के बढ़ के जइयो, जो कहे सोई हुई कह रहो रे अंगारू बढ़ के जइयो। और बहुत तेरे मुस्काए और बतलाए हुन क्यों जाओ, का बाबा जी ते काम हमें बतलाओ, क्या बाबा जी से काम हमें बतलाओ। भैया बहुत सारे मुस्किया के कह रहे कि भैया बाबा जी से क्या काम है जो तुम जाए रहे। तो नाई कहन लगो, भैया अरे भाव सिरा सा गढ़ते मेरो आना। भैया भाव सिरसा गढ़ते मेरो आना,
और जान रसी को ऐसा मैं ध्याना और जाम मनसा सेठ दीवाना रे दीवाना रे हाय दीवाना और लाए बा कोई परे बाना कहने लगे भैया मैं सिरसागढ़ से आया हूं जब मनसा सेठ रहते हैं नरसी को समझानो है और मैं नरसी के लिए पाती लाया हूं। गांव के लोग कान लगे तो एक बात बताऊं तुम्हें। हां पुरवासी बोले नाई से हम तेरे लिए बताते हैं नरसी के भाई बंद और जो नामी सेठ कहते हैं नरसी के और भाई बहुत बड़े पैसे वाले हैं तुम सीधे बाई चले जाइयो जा मिले प्रेम से मेहमानी जो बाबा जी के पास जाओ तो मुश्किल मिल वो है पानी जो बाबा जी के पास जाओ तो मुश्किल मिल वो है पानी नरसी का भाई विक्रम है बहुत बड़ा पैसे वाला है अरे वहां चले जाओगे तो तुम्हें मेहमानी मिल जाए दही बूरे पर चोट होगी और बाबा के ढेंगा गए तो तोमा कमंडल सोटन कह रहे भाई तीन ही चीजें होती हैं लंगोटा सोटा और लोटा आज भक्त नरसी को नाई दोस्तों नरसी के बड़े भाई के पास पहुंचा जहां बड़े बड़े सेठ मसंदे लगाए बैठे आए हुक्का चल रहो क्या किया इसने ए चलो हुन ते धाई भूपट गया दंडवत कीनी और क्या किया भक्तो जाने भात पत्र का कार रे के जेवस फोरन दीनी हाय हाय चिट्ठी दे दई विक्रम ने फर्रा खोला मेज पे और पाती बाती खोल सेठ रो बोली ही अनु क्यों दीनी ही अनु क्यों दीनी नाई को दाव फटकार न पाती लीनी नाई को दाव फटकार न पाती लीनी समझो प्रधान साहब इसे कहते हैं गरीबी हाँ टोटा किसी की मत तू ये सबसे बुरा है टोटा लोचा गुंडा नाम धरा दे बेईमान बनाई दे टोटा बेड़े जो सेठ विक्रम ने पत्र को पढ़ा एकदम से नाई को फटकार के कहा अब कौन से आया है नाई बोला आपने पत्र खमस ले जो पत्र नाई के मुंह पे पत्र मारा और कहा अरे चलो हट जा यहां से नाई अरे चलो हट जा जहां से नाई ओ जन पाती फेंक चलाई ओ रोटी तक नाई खवाई नरसी नाई हमारो भाई बेड़ा निकल जाओ रे कमीन की औलाद तेरी हिम्मत कैसे पड़ी यहां पत्र देने की वो मेरा भाई नहीं है दोस्तों नाई ने तो सोची कि हमें जल लगते कि कहूं सेठ जो हमारा पेठा न बनाए दे अगर आखो डर के मारे निकल आया लोगों गलियों में भटक रहा और कह रहा प्रभु अरे दीन बंद भगवान मुसीबत कैसी जसर पे छाई रे हाँ।
अरे दिनों रात गई बीत पता ना सको नरसी को पाई रे। घर में नाइन सोचत हुई है कि पिया दही बूरा पे चोट लगाए रहे और हियन पेट में मुंह से कूद रहे भैया। तो लोग दोहर का धीसा तो भैया बन के आई आए नाई रे। और बाई गली में पहुंच गए और कान लगे मुसकियाई रे। गली में भगवान नाई बन के आ गए और कान लगे, अरे भैया राधा कृष्ण। नाई बोला, राधा कृष्ण भैया आप कहां के रहने वाले हो? भगवान कहने लगे, तुम कहां के रहने वाले हो? जवाब दिया, हम तो सिरसागर से आए हैं और नरसी सेठ का पता पूछते कोई पता नहीं बताता। कौन हो तुम? जवाब दिया, हम तो भैया नाई के हैं। भगवान कहने लगे, बाव भाई वाह, खूब बिरादरी के मेरे भैया, हम नाई हैं और जाई गांव कमात खाते। तो एकदम नाई बोलो, तो भैया तुम जानत हो, तुम तो जानत हो कि नरसी कहाँ है? भगवान नाई के भेष में कान लगे, हम तो रोजे ही उनको मुंडन करने जाते हैं। मुंडन उनको महात्मन कही कही कि चांद सिलपट तो हम ही करें दाढ़ी मूछे मूड़े। तो भैया चलो मुझे ले चलो, जवाब दो वहां चलो। अरे पूरी दोहर का ते सामरिया नाई बन के आए गए और नाई को संग ले करके नरसी को घर बतलाई आए। क्या हालत है नारद जी? फूटी सी बाखर नरसी की और जा बैठान परी टूटी। काए बैठे ते महात्मा ध्यान धरे कचमुड़िया घोंट रहे फूटी। बैठे ते महात्मा ध्यान धरे कच साधु घोंट रहे फूटी। बैठे ते महात्मा ध्यान धरे कदू संत घूट रहे फूटी। भगवान ने सारा किया, जय है नरसी जो बीच में सफेद दाढ़ी वाले भगवान का ध्यान कर रहे। अब हम जाएं भैया? नाई कहने लगे, धन्यवाद भैया जाओ। भगवान चले गए, उधर नाई ने किया किया। पाती चरणन में डारी है मुखर, राधा कृष्ण उचारी है पार। भक्त के चरणों में पाती डाल दी बनाई ने। जब खुली संत की तारी है बन नाई को लखो अंगारी है। जब नारद साधु बिना रे भजन के न सोबे, चेला हो में चैमे तो सुमारे। ए रैयत बिना राजा नहीं सोवे, चाहे भोजी दे के देश हजार। और बताऊं, अरे सीसन बिना रे ढुकाई सोवे, चाहे तेरी जुलफिया हो छविदार। दुलहिन बिना बलम के नहीं सोवे, चाहे बा खूब रे करे सिंगार। सेवक रे होवे संसार।
रात न बिना रे चांद के सोवे, नारद तारे खिले हजार। लोगो राधा कृष्ण उचारी, जने नाई खड़ो लखो अंगारी। पाती आज भक्त ने खोली और चिट्ठिया खोल रे लई बाबा ने, लंबी सतर रे लई फैलाई। अरे एक एक अक्षर पे निगाह जब डारी, एठा परियो है पेट में उजाई। कछु अक्षर नहीं समझ में जब आए, हाकिम सिंह को बन गई है पकड़ाई। पाती पढ़ी प्रधान तो सावने, आखिर में गए ते नीर कछुआई। यार मेरे धीरे धीरे पाती सुनाई दई जल्दी आई, संत को धीरे धीरे हाँ